नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा शो में। आज मध्य प्रदेश इन दिनों कोरोना के कहर से बुरी तरह त्रासदी झेल रहा है और कोरोना को लेकर प्रदेश में अनेक जो योजनाएं बन रही हैं कहीं ना कहीं औंधे मुंह पड़ी नज़र आ रही हैं। इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोरोना है, लेकिन इसी के साथ प्रदेश के खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर इन दिनों काफ़ी जद्दोजहद मची हुई है। जिले में स्वीकृत जो मेडिकल कॉलेज है वो महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है, लेकिन जिला मुख्यालय खरगोन होने के कारण खरगोन विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसका ये मत है कि मेडिकल कॉलेज जो है उसका संचालन का स्थल खरगोन ही होना चाहिए। इसको लेकर के सोशल मीडिया और सामाजिक जो धड़े हैं उनमें चर्चा परिचर्चाओं का जोर शुरू हो गया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज को लेकर खरगोन जिले की क्या स्थिति है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आज आपके पसंदीदा शो नेताजी हाजिर हो में हम इसी मुद्दे को साफ करना चाहेंगे कि आखिरकार खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज महेश्वर में खुल रहा है या खरगोन में खुल रहा है, और इसको लेकर के राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, साथ ही क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, क्षेत्र के जो सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या विचार है उनका। आज हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित हैं पूर्णशंकर ठाकुर जो कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत डंडीर जी। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार और खरगोन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा रंजीत जी, मेडिकल कॉलेज खरगोन जिले में खुलेगा, मेडिकल कॉलेज महेश्वर में खुलेगा, भाजपा इसको लेकर के क्या सोचती है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही केंद्र के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। पहली बार 70 साल के बाद और इस तरह से जिला स्थान तक कॉलेज खुलें, संसदीय क्षेत्र में कॉलेज खुलें, इसको लेकर विचार किया गया और विचार के तहत ही खरगोन में मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति दी गई। और उसी मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति के तहत लेकर और 17-18 में ये सब पूरी प्रक्रिया चली, और चूँकि 18 के चुनाव में विधानसभा में और सरकार कांग्रेस की बन गई, और उस कांग्रेस सरकार बनने के कारण स्वाभाविक उस समय की जो तथाकथित मंत्री थी विजयलक्ष्मी साधो जी, उन्होंने उस स्वीकृत पूरे मामले को लेकर महेश्वर के लिए अपने स्वीकृत करा लिया। और मेडिकल कॉलेज खुलना ही चाहिए और खरगोन में खुले, इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश के और केंद्र का हमारे शीर्ष नेतृत्व जो था उसकी मंशा थी और उसी मंशा अनुरूप काम हमने किया और उसी के कारण ये स्वीकृत हुई मेडिकल कॉलेज खरगोन में। रंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जब क्षेत्र की जनता ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पे हंगामा मचाया और एक बड़ी मांग उठी कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खोला जाए, इसको लेकर के ये स्थिति बनी कि आखिरकार सांसद को एक प्रेस वार्ता करके स्पष्टीकरण देना पड़ा, लेकिन उसमें भी वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि खरगोन जिले में किस जगह पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार का स्पष्टीकरण में कमी थी। सांसद महोदय ने अपनी पूरी बात रखी। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप स्वयं ही बताइए ना, उनके पूरा स्टेटमेंट जो भी अखबारों में प्रसारित हुआ, वहाँ पर मीडिया में हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, वहाँ पर कहीं भी उन्होंने यूँ नहीं कहा कि खरगोन जिले में जो स्वीकृत है मेडिकल कॉलेज वो खरगोन में ही खुलेगा। नहीं, ये बात जरूरी है, क्योंकि जो स्वीकृति हुई थी वो उस समय जो स्वीकृति खरगोन के लिए हुई थी, अब उसको महेश्वर की तथाकथित मंत्री हमारे जो थे उस समय, उन तत्कालीन मंत्री ने वो महेश्वर ले गए, तो इसलिए विवाद का विषय था ही, क्योंकि वो कॉलेज निरस्त हो गया है। महेश्वर का मामला अब निरस्त हो गया है और खरगोन का जो पेंडिंग मामला था स्वीकृति का, जो स्वीकृत है सिद्धांत, उस सिद्धांत स्वीकृत कॉलेज को अब खरगोन में लाना, इसको लेकर उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखा है, खरगोन में आके रखा है, खरगोन के लोगों को आश्वस्त किया इस बात के लिए, और उन्होंने ये कहा कि बढ़वाने के लिए भी करेंगे हम, धान जिले में कॉलेज खुले इस बात की है, बाकी खरगोन में खुले, खरगोन मुख्यालय पर ही खुले, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है और हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं। रंजीत जी, मैं कुछ शब्दों के लिए आपसे पुनः आग्रह करूंगा, जैसे तथाकथित मंत्री नहीं थी वो बाकायदा शपथ लेके मंत्री बनी थी, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो अभी फिलहाल में यहाँ पर बता रहे हैं उसको ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो जिला भारतीय जनता पार्टी है उसका स्पष्ट ये पक्ष है कि
ही खरगोन जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खुले, क्या ये मान लिया जाए? निश्चित मानना चाहिए। और मुझे मेरी जो सब लोगों चर्चा माननीय सांसद महोदय, जिला अध्यक्ष जी और भी हमारे जो पदाधिकारी उनसे और सभी के, महेश्वर के लोगों का अपना मत जरूर है कि वो महेश्वर को खुला था इसलिए महेश्वर ही रहने दिया जाए। वो स्वाभाविक अपने अपने क्षेत्र के लिए सबकी इच्छा रहती है। बाकी जिन लोगों से मेरी चर्चा हुई बाकी जिले के, वे सब लोग इस बात के लिए एकमत हैं और हम सब लोग तय कर चुके हैं खरगोन में मुख्यालय पर ही खुले, इस बात के लिए कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मेडिकल कॉलेज को लेकर जो सबसे बड़ा पक्ष है वो है क्षेत्र की जनता। मैं मनोज जी यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है, उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस के जो यहाँ पे एक तरह से हम प्रवक्ता भी कह सकते हैं क्योंकि वो कई समय पे उन्होंने बहुत स्टेटमेंट भी दिया उसके लिए और उनको कांग्रेस की बागडोर भी सौंपी जाती है वक्तव्य देने के लिए, इस समय शहर अध्यक्ष की भूमिका में है कांग्रेस के पूर्णा शंकर ठाकुर। पूर्णा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में ये प्रदेश को सौगात मिली और विजयलक्ष्मी साधो जो कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी उन्होंने इस, माफ कीजिए, पर्यटन मंत्री थी उन्होंने इस, चिकित्सा में पर्यटन मंत्री, उन्होंने इस कॉलेज को महेश्वर शिफ्ट किया, मंडलेश्वर शिफ्ट किया। इसको लेकर के उस समय जो तत्कालीन विधायक थे ना तो उन लोगों ने आवाज़ उठाई ना कांग्रेस पक्ष की ओर से आवाज़ उठी कि ये जिला मुख्यालय पर खुलना चाहिए। आज कांग्रेस जब आम जनता पुरजोर ये आवाज़ उठा रही है कि खरगोन जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज हो, कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? कांग्रेस का इस पर स्पष्ट अभिमत है। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तब जो कछुआ छाल से फाइलें चलती हैं उन फाइलों को त्वरित गति से चलाते हुए, चूँकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी माननीय विजयलक्ष्मी साधो जी, तो उन्होंने प्रयास करके उसको फाइल को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए महेश्वर में जमीन आवंटन और ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई। रही बात तब विरोध की कि तब इस प्रकार की आवाज़ क्यों नहीं उठी, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ से 150 किलोमीटर दूर दूसरे अन्य ज़िलों में जाते हैं और यदि हमारे ज़िले को कोई सौगात मिलती है तो वो ज़िले के पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं रहती, वो पूरे ज़िले के लिए रहती है। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि कांग्रेस ने त्वरित गति से फाइल को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने जमीन आवंटन से लगा के सारी प्रक्रियाओं को एक अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त हमारी सरकार चोरों ने चोरी कर ली। अब जैसे ही सरकार चोरी हुई उसके बाद में मैं आपका ध्यान इस ओर दर्शाना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में मेडिकल कॉलेज खरगोन के लिए है भी या नहीं है, क्योंकि खरगोन जिले सहित तमाम 9 स्थानों के लिए मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुए थे तो 8 के लिए तो धन आवंटन हुआ है लेकिन 9वें का कोई अता पता नहीं है। पहले तो 9वां कॉलेज खोजना पड़ेगा। दूसरी तो चीज़ ये पूर्णा जी, ये मान लिया जाए कि उस समय जो मंत्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए थे मेडिकल कॉलेज मंडलेश्वर को लेकर के वो कहीं ना कहीं झूठ था, या जो बजट का आवंटन भाजपा शिवराज सरकार के कार्यकाल में नहीं किया गया उस समय विधायकों ने जो कांग्रेस के आज जो पत्र लिख के मांग कर रहे हैं कि खरगोन में खोला जाए, उस समय वो विधायक कहाँ थे? उस समय भी वो विधायक यहीं थे, सौगात जिले को मिल रही थी, सौगात जिले को मिल रही थी, मेडिकल कॉलेज का फायदा पूरे जिले को मिलता, पूरे जिले को मिलेगा, ये उस वक्त का स्पष्ट वो था। नहीं, अभी आपने कहा कि वो 9वां कॉलेज कहाँ है, वो 9वां कॉलेज कहाँ है, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही सरकार की चोरी हुई उस चोरी के बाद में जो 9वां कॉलेज जो खरगोन जिले में खुलना था वो 9वां कॉलेज आज परिदृश्य से गायब है, वो 9वां कॉलेज किसी और जिले में ट्रांसफर हो गया है और खरगोन को आवंटन नहीं मिला है, जाँच का विषय ये है। तो अभी तक विधायक जो पत्र लिख रहे हैं कांग्रेस के 3 विधायक कि मंडलेश्वर का जो मेडिकल कॉलेज है उसको खरगोन स्थानांतरित किया जाए, जिला मुख्यालय पे खुले, तो क्या वो विधायक भी मात्र जनता का दिल बहलाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, विधायक क्योंकि जनता का आप स्वयं बोल रहे हैं कि विधायक कॉलेज कहाँ है इसे हम खोजें, जनता का दिल बहलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा ये आरोप है, आप शब्दों के साथ जुगाली कर रहे हो, मैंने ये कहा कि जो खरगोन जिले के लिए जो कॉलेज स्वीकृत हुआ था वो कॉलेज आज कहाँ है और खरगोन जिले को कॉलेज मिलना चाहिए। तो इसका जवाब तो कांग्रेस के विधायक ही देंगे, क्योंकि खरगोन जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है, ये जवाबदेही उन्हीं विधायकों की तय होती है, उनमें से ही तय होती है कि उसका जवाब दे। जवाब दे रहे ना कि कांग्रेस जो खरगोन जिले का जो अधिकार है वो खरगोन जिले को मिलना चाहिए और
आज जब ये मांग पुरजोर तरीके से है तो सारे विधायकों का लगभग लगभग स्पष्ट बहुमत है जो तटस्थ है उनको छोड़ के कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही कॉलेज खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, ये सभी लोगों की स्पष्ट मंशा है। हमारे बीच में जो मनोज रघुवंशी जी इस समय मौजूद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी विश्लेषण किया है, उन्होंने कई तथ्यपरक चीज़ों का पता लगाया है और वे खुला पत्र के माध्यम से सांसद और विधायक दोनों के संज्ञान में ये चीज़ें ला रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है, किन सवालों के जवाब हैं जो मिलना शेष हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने तो मनोज जी स्पष्ट कह दिया है कि खरगोन में ही खुले कॉलेज, लेकिन कांग्रेस अभी भी स्पष्ट नहीं कर रहे, कह रही है वो अपने तीन विधायकों के जो पत्र है उनको तो मान रही है लेकिन दूसरे तीन विधायकों को वो तटस्थ बता रही है। तो आखिर कांग्रेस भी देखा गया तो नहीं बताया, आपने बताया है, आपने बताया नहीं, अभी, उसका अभी, आपने अभी, बोला तटस्थ है, अभी कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत स्पष्ट मत है और हमारे माननीय विधायक जी का भी स्पष्ट मत है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर कॉलेज खुलना चाहिए। हाँ मनोज जी, आप आम जनता के पक्ष को लेकर यहाँ उपस्थित हैं, आम जनता का इन दोनों के आपने अभी यहाँ पे पूरी चर्चाएं सुनी, इनके वक्तव्य सुने, आम जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में आप क्या सोचते हैं? खरगोन मेडिकल कॉलेज को लेकर दो बातें जो सामने आई हैं भाई रंजीत जी, भाई पूर्णा जी की तरफ से, और जो लोग हम मीडिया में समझे हैं और जो मैंने खुला पत्र के माध्यम से जो मेरे पास जानकारी आ रही थी उसको जनता के सामने प्रस्तुत किया है। बड़ा सवाल यह है कि यह मुद्दा उस समय तूल पकड़ रहा है जब हम कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पर हो इसको लेकर भी खरगोन की जनता जाग चुकी है और वो ऐसी जाग गई है कि सांसद महोदय को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा, खरगोन जिले के सम्माननीय विधायक लिखित में इस चीज़ के लिए समर्थन कर रहे हैं कि खरगोन जिले में खुले, कोई बोल रहा है खरगोन में खुले, कोई बोल रहा है खरगोन जिले में खुले। सांसद महोदय ने भी पिछले दिनों खुला पत्र के माध्यम से जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि खरगोन जिले में खुले, लेकिन उन्होंने भी खरगोन का स्पष्ट नहीं बोला कि मुख्यालय पर खुले, उनकी भावना है खरगोन जिले में खुले। और उन्होंने आज भी मुझे ये बोला कि निश्चित आप लोग इस चीज़ को विश्वास में रखो कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा खरगोन जिले में, जो खरगोन में स्वीकृत है। अब जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि खरगोन जिले का स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। वर्ष 2017 में फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय निमाड़ महासंघ ने एक पत्र लिखा था कि मेडिकल कॉलेज की यहाँ खरगोन मुख्यालय पर आवश्यकता है, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा जिला है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने प्रदेश सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी को पत्र लिखा था। उस पत्र के बाद भाजपा में ये हलचल हुई अंदरूनी तौर पर कि खरगोन में जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसको लेकर महेश्वर के तत्कालीन विधायक राजकुमार भाई मेव सक्रिय हुए। उनकी सक्रियता को उससे बल मिला कि महेश्वर में जो संघ के बड़े केंद्रीय नेता हैं उनके बारे में उनका नाम मुझे ये बताया गया चर्चाओं में कि भैया लाल जी जोशी, उन्होंने भी प्रयास किया कि यह कॉलेज महेश्वर में खुलना चाहिए। वो इसलिए कि उमा भारती जी ने महेश्वर को पवित्र नगरी प्रदेश में घोषित किया है, वहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई और यह प्रस्ताव भी बना कि खरगोन जिले की मेडिकल कॉलेज को महेश्वर में खुलना चाहिए। आखिर महेश्वर में क्यों खुले, उनका ये सोच था कि खरगोन जिले में खुले या महेश्वर में खुले कही तो जाएगी खरगोन। मनोज जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा, जो प्रस्ताव का आपने अभी जिक्र किया ये प्रस्ताव प्रशासनिक रूप से बना था या ये जनप्रतिनिधियों ने बनाया था ये या प्रदेश शासन की ओर से ये प्रस्ताव बना था? ये प्रस्ताव पूर्व वर्तमान में पूर्व विधायक है राजकुमार मेव, जब उस समय वो विधायक थे, संघ के बड़े नेताओं ने भी पत्र लिखा था और यह पत्र केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के पास गया था। उसके बाद ये तय हुआ कि खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और जो एक पत्र 20 मार्च 2020 को जारी हुआ है
हर्षवर्धन जी के वहाँ से, उसमें स्पष्ट लिखा है कि खरगोन जिले तीन डिस्ट्रिक्टों के नाम है, उसमें खरगोन का नाम भी है, लेकिन खरगोन के साथ कोष्टक में महेश्वर का नाम है। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बदल गई, प्रदेश में सरकार बीजेपी की नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। तत्कालीन मंत्री जो महेश्वर से विधायक हैं, सुश्री विजयलक्ष्मी साधो जी, दीदी कहते हैं उनको, दीदी चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनी। उन्होंने उस जो प्लान बना हुआ था मेयो के समय का, उसको प्लान को फॉरवर्ड किया और उन्होंने सोचा कि खरगोन जिले की जो मेडिकल कॉलेज है, क्यों ना इसको महेश्वर में स्थापित करें। उन्होंने 300 बेड का अस्पताल भी स्वीकृत करा लिया, क्योंकि वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी। उसके लिए 116 करोड़ का बजट भी पास हो गया, वह पत्र भी, आदेश भी सरकार ने निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार सिंधिया जी के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह जी की सरकार आ गई। शिवराज सिंह जी की सरकार के आते ही शिवराज सिंह जी ने मंडलेश्वर के कॉलेज को निरस्त कर दिया। वो महेश्वर का कॉलेज मैडम ने मंडलेश्वर करा लिया था उनके प्रयासों से। कोई भी नेता रहता है क्षेत्रीय विधायक, वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र में इस चीज़ का लाभ मिले, लेकिन मैडम ने उसको मंडलेश्वर करा लिया। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद शिवराज सिंह जी ने मंडलेश्वर उसके स्थान परिवर्तन को लेकर यह भी बताया गया था कि महेश्वर के आसपास उन्होंने बोला था कि वो पर्याप्त स्थान मिल नहीं रहा है। मंडलेश्वर के पास में कुछ भूमि का उल्लेख किया गया था, वहाँ पर पर्याप्त भूमि थी, जिसको लेकर के उन्होंने बोला कि मंडलेश्वर से हमने महेश्वर इसको शिफ्ट किया है। जी जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये कॉलेज महेश्वर के लिए स्वीकृत हुई थी खरगोन के नाम से, उस समय जो भी विधायक रहे, जो भी सांसद रहे, उन लोगों ने खुला विरोध करना था कि ये खरगोन जिला मुख्यालय पे है, खरगोन जिला मुख्यालय पे 300 बेड का अस्पताल है, बीच का केंद्र है, सारी ओपीडी वगैरह अस्पतालों की जो क्षमता रहती है वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए महेश्वर को प्राथमिकता दी राजनेताओं ने। लेकिन जब कांग्रेस सरकार में महेश्वर से मंडलेश्वर आया, जब उस समय सांसद गजेन भाई पटेल ने भी विरोध दर्ज कराना था, भाजपा ने भी विरोध करना था, और जो स्थानीय जिले के 6 विधायक हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने भी ये बात रखना थी कि इसको खरगोन मुख्यालय पर लाया जाए, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियाँ हर नेता की होती है। उसी राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए खरगोन जिले का हक उसी समय मारा जा चुका था जब महेश्वर में स्वीकृत हुआ था, और उसके बाद वो हक फिर खरगोन जिले का जब मारा गया जब शिवराज सरकार बनी, शिवराज सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त होने के बाद ये भी कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है शिवराज सिंह जी स्पष्ट करें, स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी स्पष्ट करें, खरगोन के सांसद स्पष्ट करें, खरगोन के 6 विधायक स्पष्ट करें कि नवा कॉलेज खरगोन का जो स्वीकृत था उसे निरस्त किया है तो किस जिले में गया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हस्तक्षेप से वह कॉलेज मुरैना चला गया, अब खरगोन जिले का कॉलेज निरस्त हो चुका है। फिर 24 जुलाई 2020 को बड़वानी के मंत्री प्रेम सिंह भाई, हमारे सांसद महोदय और कुछ लीडर स्वास्थ्य मंत्री से उनके ऑफिस में मिले सारंग साहब से, वहां फिर बड़वानी के लिए नया प्रस्ताव तैयार हुआ और फिर सांसद महोदय ने बड़वानी जिले के लिए नया प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत के लिए पत्र व्यवहार उनका जारी है। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मतलब ये मान लिया जाए कि जो खरगोन मेडिकल कॉलेज था वो ठंडे बस्ते में चले गया है और बड़वानी जो है वो नए प्रस्ताव के रूप में इस समय हम परिदृश्य में देख रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, खरगोन जिले का स्वीकृत कॉलेज राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है, फाइलों में बंद हो गया है। वो फाइलों में बंद होने के बाद बड़वानी का जो प्रस्ताव नया बना है वो गति पकड़ चुका है, जमीन देखी जा चुकी है, उसका भी कहीं ना कहीं बजट पास हो जाएगा सरकार में। मनोज जी, सांसद महोदय का ये कहना था, जब केंद्र सरकार ने भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी उसके बाद जो उनकी घोषणाएं थी उसमें उन्होंने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज देने की बात की थी, और फिलहाल में जो खैर विरोधाभासी बयान है जो सुनने में आ रहे हैं कि खरगोन को धार से जोड़ा जा रहा है और बड़वानी को किसी अलग से, बड़वानी को माफ कीजिएगा, शायद धार से या खरगोन से जोड़ रहे हैं वो, और खरगोन को बड़वानी से धार से जोड़ करके एक मेडिकल कॉलेज देने की बात कही है और बड़वानी को तटस्थ एक मेडिकल कॉलेज देने की सांसद महोदय ने बात की है। मैं आपको बीच में रोकते हुए, हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मौजूद हैं, जी 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 बोलिए जी। ये जो खरगोन जिला और बड़वानी जिले की दो कॉलेजों की बात आई है तो भाजपा के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि
अगर मोदी जी की सरकार पुनः बनती है 2019 में तो देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हमारे सांसद सम्माननीय गजू भाई ने पिछले दिनों स्पष्टीकरण में कहा कि मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की है कि देश के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुली जाएगी। गजू भाई की बात और भाजपा के घोषणा पत्र की बात को अगर देखें तो अगर घोषणा पत्र की बात करते हैं तो संसदीय क्षेत्र में एक कॉलेज खुलेगा और संसदीय क्षेत्र खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि खरगोन मुख्यालय के नाम से खरगोन लोकसभा क्षेत्र खरगोन संसदीय क्षेत्र जाना जाता है। अभी बड़वानी जिला अलग बनने से वो जुड़ चुका है, लेकिन बड़वानी जिले के पुराना इतिहास देखें तो बड़वानी पहले खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ करता था और खरगोन डिस्ट्रिक्ट का जिला अस्पताल बड़वानी में हुआ करता था, CMHO वहाँ बैठते थे। ये सारी स्थितियाँ हैं, लेकिन अगर गजू भाई बोल रहे हैं कि दो जिले प्रत्येक जिले में खुलेगा तो निश्चित खरगोन जिले में खुलना चाहिए, बड़वानी जिले में खुले, खरगोन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे खरगोन के साथ जो हक मारा गया है उस हक के साथ खरगोन की जनता है और हम भी चाहते हैं कि खरगोन जिले का मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पर ही खुले, लेकिन खरगोन जिले का मेडिकल कॉलेज खरगोन जिले में रहे, निरस्त ना हो, और निरस्त किया गया है तो उसको फिर से प्रस्तावित कर पुनः खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज कहाँ खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, कहाँ उसकी सुविधाएँ हैं, कहाँ वो पर्याप्त उपयोगी है, उसके लिए खरगोन मुख्यालय ही उपयोगी है, ऐसा खरगोन की जनता भी सोचती है और हम सब सोचते हैं। पूर्णा जी, मैं आपसे जवाब लूँगा, उसके पहले एक आरोप लगा है जनता के प्रतिनिधि मनोज रघुवंशी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जो बड़वानी में मेडिकल कॉलेज की बात की है, कहीं ना कहीं वो खरगोन जिले का हक छीन करके बड़वानी स्थानांतरित किया है। इसको लेकर मैं चाहूँगा कि रंजीत जी आप स्थिति स्पष्ट करें कि कितना सही है, क्योंकि आज की स्थिति में खरगोन शहर की जनता जो है, आसपास के क्षेत्र की जो जनता है, वो पुरजोर तरीके से मांग कर रही है कि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर हो, और कहीं ना कहीं ये केंद्रीकरण अगर होता है मेडिकल कॉलेज का जिला मुख्यालय पे तो ये आम जन के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगा। मेरे हिसाब से जो बातें कही गई अभी उसमें ये बात मनोज जी ने कही कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर जिले के और मुख्य जिले में एक मुख्यालय पर या उसके जहाँ भी तय करेंगे सांसद महोदय ने बोला, सांसद ने जिला सांसद महोदय ने, और उसमें हमारे घोषणा पत्र में जो था वो ये था कि एक जिले एक संसदीय क्षेत्र में एक हो, पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरस्थ अंचलों में हम प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इस तरह की बात की। और मैं ये मानता हूँ, मेरे पास जो जानकारी है, जिस तरह की बात है कि सिद्धांत यह तय है कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये स्वीकृति हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया हो चुकी है। खरगोन शहर में, हाँ खरगोन नहीं, खरगोन में खरगोन जिले में खुलेगा, खरगोन के लिए हम बात कर रहे हैं जी, खरगोन के लिए पहले ही कह चुका हूँ खरगोन मुख्यालय पर ही खुले। जो बात कही गई है कि बड़वानी में लेकर गए, बड़वानी की चर्चा है इसलिए क्योंकि हर जिले में खुले, इस तरह की बात हुई है तो बड़वानी के लिए प्रस्ताव गया है। मूलतः सबसे पहली बात जो है वो खरगोन में खुलेगा और खरगोन का स्वीकृत मेडिकल कॉलेज खरगोन में ही बने, चूँकि ये बीच में कोरोना काल आना, सरकार का एक आरोप जो लगाया मेरे भाई पूर्णा भाई ने कि चोरी करी सरकार को, इसका मैं इनकार करता हूँ। देखिए, आपके विधायक आप नहीं संभाल पाए, आपके विधायक आपके साथ छोड़कर चले गए, आपने सब तरह की जद्दोजहद की, दिग्विजय सिंह से लगा के कांग्रेस के सब नेता और जाकर उनके पैर पड़े विधायकों के, कोई विधायक साथ में आने को तैयार नहीं, आपसे आपके लोग दुखी थे इसलिए वो टूट के चले गए। अब टूट के जाने के बाद वो भाजपा में आए, भाजपा ने उनको जनता के बीच में ले गया और जनता ने उनको चुनकर वापस भेजा। सरकार हमारी पूरी नैतिक रूप से तैयार है, पूरी पर चूँकि आज वर्तमान में जो जरूरत है वो जरूरत है कोरोना काल से निपटने की। और मैं आपको इस बात के लिए मतलब आपको जानकारी है चूँकि कि पूरे देश में सबसे अच्छा अगर कोरोना के मामले में और जो निपटारा किया गया, जिस तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं, आज हम 7,000 केस रह गए पूरे जिले प्रदेश में, और जिस तरह 7,000 पर डे निकल रहे हैं, जिस तरह का काल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस ने अपने दामन को ठीक प्रकार देखना चाहिए। दूसरी बात एक जो कही कि महेश्वर ले गए, तो महेश्वर भी उसी तरह की राजनीति जिस तरह बोराओं में सुभाष भाई करते थे। सुभाष भाई ने सदा अपने क्षेत्र, अपने घर और अपने परिवार को देखा, उसका कारण था एक पूरी जितनी भी शुगर मिल है या और भी जो बड़े बड़े काम है वो सब बोराओं चले गए। उसी तरह की राजनीति कांग्रेस की दूसरी नेता ने की, तब विजयलक्ष्मी नहीं बोलती थी, अब ये नहीं बोलते चारों पाँचों, और उसका उसी का परिणाम निकला कि महेश्वर में चली गई, महेश्वर बाद नहीं मेरे घर में ही आ जाए तो मंडलेश्वर ले आएंगे हम भैया। तो ये जो राजनीति है उसके कारण ये सब लपड़ा हुआ है। और कोरोना काल नहीं होता तो मैं आपको बताता कि इस समय तक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला हम खरगोन में रख चुके होते। लेकिन रंजीत जी, आपने अभी बताया कि ये कांग्रेस के विधायक उनके नहीं होके रह पाए, सरकार बदल गई, बहुत सारा घटनाक्रम हुआ,
लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, तो जब महेश्वर की घोषणा हुई थी कि महेश्वर मंडलेश्वर में खुलेगा, उस दौरान भाजपा की ओर से कोई भी आवाज़ नहीं उठी, ना संगठन की तरफ से कोई आवाज़ उठी कि खरगोन जिला मुख्यालय पे खोला जाए, ना ही सांसद महोदय ने इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया तक प्रकट करना जरूरी नहीं समझा, ऐसा क्यों? देखो, सांसद महोदय होते हैं, उनका पूरा क्षेत्र होता है, 8 विधानसभा होती है, महेश्वरी उनकी विधानसभा में आता है। अब उस समय जो कि सरकार कांग्रेस की थी, हमने स्वीकृत करके केंद्र से मंजूरी करके दी कॉलेज, उसको हटप लिया माननीय हमारी मंत्री जी ने, और जिस तरह हटपा पूरी कांग्रेस नहीं बोलने के तैयार, सांसद की ताकत थोड़ी, सांसद तो आखिर पूरे क्षेत्र का है ना, वो महेश्वर की जनता का विरोध थोड़ी कर सकता है, उसके लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं, 8 विधानसभा बराबर है। तो इसलिए जहाँ तक जो बात है, उस समय निर्णयकर्ता कांग्रेस थी, उस समय पूरी जो लॉबी थी उसकी ताकत थी वो सब पूरी कांग्रेस के हाथ में थी, जिसकी कांग्रेस की ताकत खत्म हुई और देखिए उनका परिणाम निकला कि आज नहीं है। और हम इस बात को निश्चित रूप से पूरी एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ कि ये कॉलेज खरगोन में ही खुलेगा, मुख्यालय पर ही खुलेगा और खुलेगा। भारत में कोई भी मुद्दा हो, बगैर राजनीति के लिए उसका पटाक्षेप हो नहीं सकता, और मेडिकल कॉलेज को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस वाली स्थितियां पैदा धीरे धीरे होती जा रही हैं। लेकिन आम जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि आखिर मेडिकल कॉलेज का सच क्या है, ये खरगोन शहर में है, बड़वानी में है या मंडलेश्वर में है। इस विषय पर हम हमारे जो मेहमान उपस्थित हैं उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं दोबारा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज खरगोन को लेकर, लेकिन एक शुभ समाचार हम आपको देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में कि मध्य प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है कुछ कम हुई है और वर्तमान में 8,800 के तकरीबन पॉजिटिव केस बचे हैं और खरगोन जिला उसमें 119 पॉजिटिव मरीजों के साथ आज दर्ज हुआ है, जो कि एक सुखद संकेत है कि हम कोरोना पर धीरे धीरे काबू पाते जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज खरगोन की, अपने विषय पर हम आते हैं। मेडिकल कॉलेज खरगोन आम जनता का मुद्दा इन दिनों बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आम जनता के मुद्दे में राजनीति न हो ऐसा होना नामुमकिन है, और इस समय हम स्टूडियो में भी वही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे को राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि अगर वर्तमान में या पूर्व सत्ता में जो बैठे लोग चाहते तो वो कुछ ही दिनों में इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकते थे कि मेडिकल कॉलेज आखिरकार कहाँ होगा। कमलनाथ सरकार में इस मुद्दे को समय दिया, पूरी तरह से लागू नहीं किया, और वर्तमान सरकार ने मेडिकल कॉलेज को लेकर जो बजट स्वीकृति थी उसको भी रोक दी। शहर की जनता ये चाहती है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं लटका नज़र आ रहा है। पूर्णा जी, अभी आपने रंजीत जी से सुना, उन्होंने कहा कि ये कमलनाथ सरकार के समय में देरी हुई, वरना ये चीज़ पहले ही सुनिश्चित हो जाती। जो बात मेरे बड़े भाई आदरणीय रंजीत जी ने रखी है, मैं रंजीत जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये वो नेता हैं जो शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के साथ में बैठने उठने वाले नेता हैं, मतलब इनका एक संगठनात्मक अस्तित्व इतना है। तो
मेरा इनसे यह निवेदन है कि आज तो सब चीज़ें छोड़ के आप खरगोन में मेडिकल कॉलेज ले आइए, क्योंकि आप सरकार के, सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, और आप भाजपा के बड़े छत्र बड़े नेता हैं। आप खरगोन में मेडिकल कॉलेज ले आइए। मेडिकल कॉलेज नहीं ला सकते हैं अभी तो कम से कम उसके लिए स्टाफ सेंक्शन करा के खरगोन में ले आइए, कि अभी जो भयावह कोरोना की स्थितियां हैं कम से कम उससे आम जनता को राहत मिल सके। दूसरी बात इन्होंने बोली कि कमलनाथ जी ने लेट लतीफी, अरे कमलनाथ जी ने ही ताबड़ तोड़ करके सारी चीज़ें करी, लेकिन अब पिछले डेढ़ साल से क्या हो रहा है, मार्च के बाद में जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है, शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, तब से क्या हो रहा है। और कमलनाथ जी की सरकार मात्र डेढ़ साल के लिए थी, उसके पहले 15 साल सरकार थी, अभी फिर डेढ़ साल से सरकार है, तो तब हम लोग कहाँ थे माननीय भाजपा के साथीगण, कहाँ थे। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि जो भी नेता रहा वो अपने क्षेत्र में ले गया, मुझे ये बताइए कि इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का लाभ पूरे खरगोन जिले को नहीं मिल रहा है? अगर सूत मिल, सुगर मिल खुली है तो क्या उसमें खरगोन जिले के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खरगोन जिले में है तो क्या उसमें खरगोन जिले के बालक बालिकाएं नहीं पढ़ रहे हैं? या फिर ये कोई ऐसा काम बता दे कि इतने 15 सालों में हमने ये काम करा है और इसका लाभ हम खरगोन जिले वालों को ये दे रहे हैं। एक दूसरी चीज, माननीय मनोज रघुवंशी जी ने कहा कि राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कांग्रेस के विधायकों की कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से काला धन आएगा, जिस तरीके से, लेकिन पूर्णा जी अभी जिस तरीके से, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं इनका जवाब दे रहा हूं कि राजनीतिक मजबूरियां नहीं रही है। जिस तरीके से काला धन आएगा, जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस तरीके से पूरा आभा मंडल बनाया गया है, आज उसकी क्या स्थिति आप हम सब जानते हैं। इसलिए तात्कालिक परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से खरगोन जिले को जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही थी उसे सभी ने सहर्ष स्वीकार करा कि इसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा। अब मैं माननीय से बड़े ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी के जितने लोग अपनी बुझी हुई राजनीति को चमकाने के लिए मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति और ये सारा जो वो कर रहे हैं, मेरा इनसे सभी भाइयों से आग्रह है कि आप सभी खरगोन के शुभचिंतक हैं, मैं भी शुभचिंतक हूँ, हमारा खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, लेकिन आप सरकार के, सरकार आपकी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने खड़े होइए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, और डंके की चोट आप लेके आइए मेडिकल कॉलेज, और अगर नहीं ला सकते हैं तो कृपया इस प्रकार के राजनीतिक विचारधारा को भी छोड़िए और इस प्रकार की राजनीति को भी परे रखिए। पूर्णा जी, अभी आपने कहा कि भाजपा के लोग जो है अपनी बुझी हुई राजनीति को फिर से सुलगाने के लिए या जलाने के लिए एक संघर्ष समिति बना करके मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी में ला देना चाहता हूँ कि इसमें जो जो भी सोशल मीडिया, जो भी संगठन काम कर रहे हैं उसमें आम जनता के लोग ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कह के आप आम जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे? आम जनता का अपमान नहीं, आम जनता की मंशा है, आम जनता के लिए ही अभी शनिवार को जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी उसमें माननीय खरगोन विधायक जी ने पूरी आपदा प्रबंधन समिति के बीच में माननीय रवि जोशी जी ने पूरी ताकत के साथ और पूरे अपने उसके साथ कलेक्टर और सारे लोगों को ये कहा कि खरगोन का प्रस्ताव बनाकर आप राज्य सरकार को भेजिए, खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये शनिवार का घटनाक्रम है। मेरा इसमें यह है कि जिस प्रकार से ऊंची राजनीति चल रही है कि महेश्वर चले गया, महेश्वर ले गए, वो उनने ऐसा कर लिया, फलाना ढिमका, इस प्रकार की जो राजनीति चली और भाजपा की गुटिया राजनीति में सांसद के ऊपर जो आक्षेप लगे, जो सारी चीज़ें हुई है, अब मेरा केवल इतना निवेदन है कि सरकार भाजपा की है तो खरगोन जिला मुख्यालय का हक मिलना चाहिए, ये सारे भाजपा के साथियों को प्रयास करना चाहिए। मनोज जी, आपने अभी कांग्रेस के नेता पूर्णा जी के जो विचार थे सुने, कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर वो जो कांग्रेस की जो भी सोच है उसको बता रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कि कॉलेज बनना चाहिए, जिला मुख्यालय पे ही बनना चाहिए। इसको लेके उन्होंने बताया कि क्राइसिस कमेटी की बैठक में विधायक भी पुरजोर तरीके से कह चुके हैं, पत्र दे चुके हैं। उसके बाद एक जो जन आंदोलन वाली बात होती है
अभी भी ये मुद्दा जन आंदोलन नहीं बना है। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि आज से 2 महीने पहले महेश्वर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लोगों ने एक संघर्ष समिति मेडिकल कॉलेज को लेकर बना ली है। और वो संघर्ष समिति के द्वारा वो ऊपरी जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी प्रशासनिक स्तर है उनको वो निवेदन भी जारी कर चुके हैं जो कि खरगोन में अभी तक नहीं हो पाया है। तो आखिर ये जन आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगा या ये यथार्थ में कोई रूप ले पाएगा या राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? बहुत साफ बात है, खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, खरगोन मुख्यालय पर होना चाहिए, बशर्ते जिस परिस्थिति में 2017 से इसकी कहानी शुरू हुई और 2021 तक जो स्थिति हम कोरोना काल में देख रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, जन जागृति हो रही है, लेकिन ये सब परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए हो रही है। अब स्थिति यह है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर खरगोन जिले की जो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज जो निरस्त हो चुकी है शिवराज सरकार के समय, उसको लाने के लिए कांग्रेस भाजपा के जो सम्माननीय जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं ये अगर सच्चे मन से चाह लेंगे तो मेरा दावा है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होगी, खरगोन जिले में होगी, खरगोन में होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यह बात सांसद महोदय ने मुझे की, खरगोन विधायक जी भी कह रहे हैं, उन्होंने भी आपदा समिति में यह प्रस्ताव रखा है। जो पुरानी बातें क्या हुई, किन ने क्या करा, इन चीज़ों को हम भी भूलना चाहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से खरगोन मेडिकल कॉलेज के नाम से ग्रुप बना है उस ग्रुप में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आपने जो बोला पांडे जी कि निश्चित संघर्ष समिति बनना चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ रतलाम जिले का। रतलाम में भी मेडिकल कॉलेज कहीं और ट्रांसफ़र हो चुकी थी, लेकिन रतलाम के नागरिकों ने इतना ज़बरदस्त जन आंदोलन किया कि सरकार को झुका दिया और रतलाम मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुई और खुल चुकी। ऐसा हमको खरगोन में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर लिख दिया, कमेंट्स कर दिए, ये हो गया, ये ट्वीट कर दिया, वो अपना अपनी जगह स्थान रखते हैं, लेकिन हमको मेडिकल कॉलेज खरगोन में लाना है तो हमको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, जन जन को विश्वास में लेना पड़ेगा, भाजपा को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, कांग्रेस को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। ये दोनों दल अपनी पार्टी की राजनीति को छोड़कर खरगोन के लिए, खरगोन के विकास के लिए कदम मिलाकर साथ खड़े होते हैं तो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग, यहाँ का सामाजिक वर्ग और राजनीतिक वर्ग एक हो जाएगा तो निश्चित ही सूरज सरकार जी को झुकना पड़ेगा और लोगों की भावनाओं को सब देखते हुए उनको निरस्त कॉलेज को फिर खरगोन के लिए स्वीकृत करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब ये सभी लोग चाहेंगे। अभी हो यह रहा है कि सांसद जी कह रहे हैं खरगोन जिले में खुलेगी, विधायक जी कह रहे हैं कि खरगोन में होना चाहिए, आपदा समिति में प्रस्ताव भेज दिया, सब बढ़िया बात है, लेकिन आप सबको जमीन पर आना पड़ेगा, कोरोना खत्म होते ही इस मेडिकल कॉलेज को भी सड़क पर खड़े होना पड़ेगा, बिल्कुल सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा और सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली भी जाएं और भोपाल भी जाएं, जो खरगोन जिले की स्वीकृत कॉलेज है जो निरस्त पड़ी है उसको स्वीकृत करें और खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज। वही तो मेरा कहना है माननीय भाजपा मित्रों से कि ये निरस्त शब्द क्यों आ रहा है? आपकी सत्ता है, आप सरकार में है प्रभु, गलत 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 बात कह रहे हैं अपन लोग, अपन इस बात को गलत निरस्त तो करा है, शिवराज सिंह जी ने निरस्त किया है, निश्चित मंडलेश्वर की स्वीकृत काल जो मंडलेश्वर में बन रही है उसको निरस्त किया है, वो अब होल्ड पे है। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, मैं आपकी जानकारी नहीं, आदेश जारी नहीं हुआ, विधानसभा में बजट प्रावधान नहीं किया है, बजट प्रावधान न होने की स्थिति में ना तो इसके कोई प्रस्ताव बन पाए और ना ही इसके आगे की रूपरेखा पर कोई विचार किया गया। जहाँ तक एक अफवाह मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि टेंडर जारी कर दिए गए हैं, वो टेंडर मेडिकल कॉलेज के नहीं है, वो टेंडर हॉस्पिटल को लेकर के जारी किए गए थे और कुछ ही टेंडर थे जो वो टेंडर भी अभी प्रक्रिया में नहीं लाए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि उनको जारी कर दिया और उन पर कार्य शुरू हो गया है, वो अभी कार्य शुरू होना बाकी है, प्रक्रिया उसकी शुरू होना बाकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं मनोज जी कि जन आंदोलन की जहाँ तक हम बात करते हैं, खरगोन शहर में जिला न्यायालय को लेकर के, कृषि महाविद्यालय को लेकर के भी इसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप पे, सड़कों पे, आम जनता के समूहों के बीच में सघन चर्चा चली, बड़े वादे इरादे किए गए, जनप्रतिनिधियों ने कहा ये करेंगे, बार एसोसिएशन से जो प्रेसिडेंट जीतते थे, कई प्रेसिडेंट ये बोलते थे हम जिला न्यायालय यहाँ लाएंगे, लेकिन ना आज तक कोई जन आंदोलन खड़ा हुआ, सिर्फ कुछ पत्रों तक ये मांग सिमट के रह गई,
मेडिकल कॉलेज का क्या हश्र होगा, इन स्थितियों को देखते हुए क्या वो सक्सेस होगा, कोई जन आंदोलन खड़ा होगा, उसकी रूपरेखा अभी तक तो फिलहाल में कोई बनी नज़र नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी गूढ़ मुद्दा है। बिल्कुल बहुत सही। 15 साल से ये दुर्भाग्य रहा जिले का, ये दुर्भाग्य रहा जिले का कि 15 साल से भाजपा की सरकार रहते हुए जो आपने मुद्दे इशू गिनाए हैं वो यहाँ पर लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए। लेकिन 1.5 साल की सरकार में मेडिकल कॉलेज को अमली जामा पहनाने की कमलनाथ सरकार ने प्रयास की सरकार को स्वीकृति तो प्रदेश ने स्वीकृति तो केंद्र ने दी ना, आप उसको हाथ में भले ले लो पर कहेंगे, पर स्वीकृति तो केंद्र द्वारा हुई है। पहली बार केंद्र की सरकार ने नीचे तक मेडिकल, ये तो पूरे सरकार का ही दायित्व है। तो पूरे देश में 55 साल तक कांग्रेस सरकार रही, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खुले, क्यों नहीं अस्पताल खुले? आज जब खुल गए तो उसको श्रेय लेने को तैयार हो गए आप लोग? आपको ये बात का ध्यान नहीं आता कि मेडिकल कॉलेज गुजरात करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी ने किया कि इस तरह से एम्स खुले, जिसने कहा कि आज तक एक एम्स बने के दिल्ली के बाद कोई बात नहीं की गई। सड़क घोटाले करने का काम किया कांग्रेस ने, मोदी जी ने तो अपने बंद करा लाने को भी कहा, मोदी जी ने तो 2 करोड़ अरे सब कर रहे हैं, मगर आपको आपको दिखेगा नहीं साहब। देश पूरा कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, एक ट्रंप को जिताने के चक्कर में और दूसरा ममता को हराने के चक्कर में पूरे देश की 12 बजा दी है। किसने बजाई है ये? आपने मार्च में घोषणा कर दी, जो फरवरी में घोषणा कर दी कि कोरोना खत्म हो चुका है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को वैक्सीन बांटी जा रही है, हमने विजय पा ली है। फिर ये हजारों लाखों लाशें कैसे निकली है? आज गंगा का पूरा आंचल भरा हुआ नजर आ रहा है, आज गांव गांव शहर शहर शमशानों की चिताओं की लौट ठंडी नहीं हो रही है। हम कहां जा रहे हैं, कैसे और क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मोदी है, मोदी जिसके कारण आज देश खड़ा है, नहीं तो राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री होता ना तो गांव के कस्बों में लाशें बिछती। आज इतना बड़ा काम राहुल गांधी ने तो पहले ही बोल दिया था कि सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी जैसा 2020 में बोला था सुनामी आएगी, समझ जाओ सुनामी आएगी। लेकिन हम मस्त थे, मगन थे, हम सरकारें चुरा रहे थे, हम ट्रंप को यहाँ बुला रहे थे कि ट्रंप को हम जिताएंगे। क्या ये हमारी वैदेशिक नीति है? क्या ये हमारी सोच रहना चाहिए? उसी ट्रंप के चक्कर में पूरे देश में कोरोना फैल गया, उसी सरकार चुराने के चक्कर में हम समय रहते लॉकडाउन नहीं लगा पाए, उसी सरकार चुराने के चक्कर में हम बेंगलोर में विधायकों को ले जाके कौन भाग रहा था, कौन छुपा रहा था? उसी के कारण लॉकडाउन नहीं लगा और कोरोना फैलते गया। लेकिन उसके बाद भी हम सच्चाई से मुंह मोड़े रहे, हम शुतुरमुर्ग बन गए और हमने घोषणा कर दी कि भारत ने कोरोना पे विजय पा ली। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो पिछला साल गया जहां पर हमको कोरोना को लेकर पाबंदियां लगानी थी, कुछ ठोस व्यवस्थाओं को धरातल पे उतारना था, वो हम नहीं कर पाए। हम चुनावी समीकरणों में, चुनावी जोड़ तोड़ में व्यस्त रहे और ममता को हराने के लिए निकल गए, लेकिन न ममता हारी न ट्रंप जीता, मेरा देश हार गया। रंजीत जी मेरा देश हार, अरे देश हार गया, देश तो आप एक बात बताइए, जो पूरा कार्यकाल गया जिस तरह का एक पीपीटी किट नहीं बनता था इस देश के अंदर, एक हालत थी है कि हमारे घर भारत के अंदर और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना बड़ा मैनेजमेंट कहा किया मोदी ने, और पिछली बार इनके नौ निहालों ने जन्म कहां लिया? मैं माननीय से पूछना चाहूंगा, क्या 2014 के पहले इस देश में प्लेन नहीं थे? क्या 2014 के पहले इस देश में अस्पताल नहीं थे? क्या 2014 के पहले इस देश में सड़कें नहीं थी? क्या 2014 के पहले इस देश में आईटी नहीं थी? इस देश में क्या नहीं था और 2014 के बाद आया क्या? 2014 के बाद आया है अविश्वास, आपसी अविश्वास, कांग्रेस के प्रति अविश्वास, कांग्रेस के प्रति अविश्वास, कुछ नहीं आया है राहुल गांधी को, कुछ नहीं आया। अनिल जी मेडिकल कॉलेज पे बात करें, बहस को खरगोन मेडिकल कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज पे बात करें, एक देश का विश्व इसको जानता है, प्रधानमंत्री को अविश्वास भी बात कर रहे हैं जैसा ऐसा इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं मिलेगा। एक तरफ जितनी अपनी ब्रांडिंग करी उतनी अगर देश के नागरिकों की चिंता कर लेते। मुझे दुख होता है कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है मैं उसका विरोध करता हूं, जो हिंसा हुई उस पे पूरी बीजेपी दिल्ली से लगा के तो खरगोन तक, खरगोन से लगा के गोगावा तक हर जगह पे धरना देती है, लेकिन जो लाखों लोग मारे गए कोरोना के कारण उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलता है। अरे आज तो आंकड़े वही गिनाए जा रहे हैं जो लोग मर चुके हैं, लेकिन जिनका जमीन मर चुका है उनकी गिनती भी होगी। रंजीत जी नहीं, नहीं, नहीं होगी, सबकी होगी, निसंदेह होगा जो किया है प्रधानमंत्री ने। रंजीत जी आप जो भी बोल रहे हैं, आप दोनों की बातों को मैं पूरी गौर से सुन रहा था और निसंदेह 47 के बाद इस देश की प्रगति में कांग्रेस का भी उतना ही योगदान है
जितना भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का है। राजनीति पक्ष की हो या विपक्ष की, उस राजनीति का एक ही अर्थ होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों की प्रगति। और यही सवाल आज हम लेकर बैठे हैं कि क्या खरगोन जिला, जो कहीं ना कहीं आज भी भारत की अगर हम दृष्टि से देखें तो हम एक रिमोट एरिया में रहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहते हैं, ये परिभाषाएं आज तक हमसे जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र का पूरी तरह विकास नहीं हो पाया, और जब भी विकास होने का अवसर आया, राजनीति ने उस विकास को अवरुद्ध किया। आज मेडिकल कॉलेज का विषय है, और हम यही चाहेंगे कि इस खरगोन जिले को मेडिकल कॉलेज मिले, जिला मुख्यालय पर मिले, केंद्रीय स्तर होने के कारण, मुख्यालय होने के कारण यहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं जो मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त हो सकती है। इसलिए मुख्यालय का चयन एक गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केंद्रीय स्तर पर सांसद भाजपा का होने के कारण आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सांसद पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखें और एक आमंत्रण दें। सांसद होने के नाते, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते एक आमंत्रण दें इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को, वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, कि वो आए, जनता के लोग आए और वो आपके साथ जुड़ करके एक आंदोलन खड़ा करें, अपना पक्ष रखें। कोई जरूरी नहीं है आंदोलन खड़ा करने की, अगर सत्ता पक्ष या प्रशासनिक पक्ष यही मान जाता है तो आप वो करें। रंजीत जी, विधायक आप ले आओ, मैं चाहूंगा आपको। माननीय रंजीत जी का इतना वजूद और इतना कद है कि अगर ये ठान ले कि 8 दिन में मेडिकल कॉलेज लाना है तो ये और इनके जैसे चंद साथी यहाँ ला सकते हैं। अगर जमीन आवंट उपलब्ध नहीं होती है तो हम हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से पूरे वो प्रयास, जमीन की उपलब्ध होगी, सर्वे हो जाएगी। बस भाजपा ही मित्र, इनकी सरकार है, उसका लाभ दिला दे और खरगोन का मेडिकल कॉलेज खरगोन। मनोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये अभी पूरी चर्चाएं सुनी, हमने मेडिकल कॉलेज को लेकर बात करें, पूर्णा जी अपना बात रखें, छह विधायक एक साथ आगे बात करेंगे, मैं कुछ चीजें आगे मैं उस पर भी बात करें, मेरे बता दें, मैं उस पर क्या करना, 8 दिन होकर के बताऊंगा। जनप्रतिनिधि के विधायक का पत्र ला दे मेरे को खुला, ये 6 विधायकों ने लिखा था कि आप खरगोन जिले का मेडिकल कॉलेज निरस्त कर दो या मत बनने दो, नहीं निरस्त, जब आपको उस वो भी आपने करवाया। अरे महेश्वर के विधायक, महेश्वर के विधायक ने, मुझे यही बात बुरी लगती है कि सरकार ये चला रहे हैं लेकिन कुछ भी होता है तो ठीक रहा विपक्ष के ऊपर बोलते हैं। अरे विपक्ष से, अरे 6 विधायक कांग्रेस बोलता है तो बोले राहुल गांधी। अरे भैया, सत्ता में मोदी है, यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह है, ये क्यों भूल जाते हो? 6 विधायक खरगोन में है ना, सरकार तो खरगोन में, अरे मेडिकल कॉलेज खरगोन में लाना है ना पांडे जी, लेकिन सरकार खरगोन में आवंटन देंगे क्या? मैं आप 6 विधायक लिखवा दो ना, आप लिखवा दो, मैं कोई जरूरत नहीं बाकी चाहूंगा। और मैं मनोज जी यहाँ जन प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है, जनता के व्यक्ति होकर के वो यहाँ बैठे, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और खरगोन शहर के जिले के मिजाज को अच्छी तरह से समझते हैं। मनोज जी, आपने अभी देखा दोनों तरफ से मांग हो रही है, भाजपा और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 6 विधायक लिख करके दे दें स्वीकृति, और वो कांग्रेस प्रतिनिधि कह रहे हैं कि सांसद लिख करके दे दें, केंद्र में उनकी सत्ता बैठी है, वहीं से दिशा निर्देश क्यों न लिए जाएं। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी 6 विधायक हैं, उनका भी यहाँ पर प्रभुत्व है, वर्चस्व है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं और उनकी हाँ या ना काफ़ी मायने रखती है। तो इस स्थिति में होना क्या चाहिए जिससे हम एक सकारात्मक रूप से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ पाएं? पांडे जी, बहुत साफ बात है, मेडिकल कॉलेज जो खुलती है उसके लिए 40% पैसा केंद्र सरकार देती है, 60% इन्वेस्ट प्रदेश का होता है। और वर्तमान में केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ के सांसद संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व BJP से कर रहे हैं, और खरगोन जिले की 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक, वो भी कांग्रेस समर्पित है, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हुआ उसे भूल जाए हम। अगर ये सांसद महोदय और 6 विधायक, जैसे रंजीत जी बोल रहे हैं 6 विधायक लिख के दे दें, पूर्णा जी बोल रहे हैं सांसद महोदय चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, तो ये दोनों भाई और 6 विधायक और सांसद सच्चे मन से इस मेडिकल कॉलेज खरगोन में खुलने की पुनित कार्य में अपना योगदान देते हैं तो निश्चित ही सबका नाम होगा और खरगोन को विकास की एक बड़ी गति मिलेगी। दूसरी बात, कोरोना को लेकर जो बात हुई थी, कोरोना में ये सरकार ने वो करा उसने ये करा, लेकिन कोरोना के मामले में हमारे देश में हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। जब कोरोना पिछली वर्ष आया था, जब पूरे विदेशों में किस स्थिति में थे, कैसे लोग मर रहे थे,
पूरे WHO ने सूचना दी थी कि ये अगले वर्ष और आएगा, लेकिन प्रदेश ने देश की सरकार ने प्रदेश में कोई ऐसी कोरोना की रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं की। हमें ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा, हमें इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ा। परिणाम ये हो रहे हैं कि हमारे देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक, खरगोन के लोग मरते जा रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं कि हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। खरगोन जिला अस्पताल को कई बार ऑक्सीजन नहीं मिली, पीथमपुर से ऑक्सीजन लाने में कलेक्टर को पसीना आ रहा था। ये हालातों से हम गुजरे हैं, लेकिन ये सब हालात कम हो भी रहे हैं, अब कोरोना की गति कम हो रही, लेकिन तीसरी लहर फिर आने वाली है। सावधान हो जाएं, जो सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाएं, और जो जिले में नेतृत्व कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाएं। उस तीसरी लहर को लेकर अगर हम अभी से सजग नहीं हुए तो लाशों के ढेर फिर होंगे, और फिर तुम उन लाशों के ढेर पे फिर राजनीति करना, तो राजनीति करो लेकिन लाशों पे मत करो, लोगों के स्वास्थ्य के साथ राजनीति करो। लोगों को स्वास्थ्य अच्छा कैसा हो, कैसा मिल सके, उस पे राजनीति करो तो अच्छा रहेगा। बड़ी सुखद बात यह है कि खरगोन में इस महामारी के समय भी जो सोशल मीडिया के लोग जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज को लेकर मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग, हमारा अपना खरगोन व्हाट्सएप ग्रुप के लोग एक ऐसा पुनित कार्य कर रहा है पिछले 35-36 दिन से कि किसी को भूखा नहीं रहने दे रहा है। खालसा ग्रुप कर रहा है, लाला यादव ग्रुप कर रहा है, सामाजिक संगठन कर रहा है, राजनीति की ओर नहीं देख रहा, राजनीति की ओर नहीं देख रहा, कोई राजनीति की ओर नहीं देख रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार ने हमको आत्मनिर्भर बना दिया, तुम्हारी तुम निपटो, अब निपट रहा है। लेकिन सबकी जवाबदारी बनती है, सरकार की भी जवाबदारी बनती है। अभी शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छी घोषणा करी आयुष्मान कार्ड की, उसका लाभ मिलेगा। ऐसे अच्छे काम करो और इस महामारी से हम सब लोग निपटे, और मेडिकल कॉलेज खरगोन में हो, खरगोन जिले में रहे, खरगोन जिले का स्वीकृत था, जिसे निरस्त किया है उसे आप सब लोग मिलकर पुनः बहाल करें, और खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने मेडिकल कॉलेज को लेकर एक लंबी चर्चा करी, उस दौरान राजनीतिक जो विरोधाभास था वो भी सामने आया, और आम जनता के स्तर पर क्या किया जा रहा है वो भी मनोज जी ने हमें बताया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो खरगोन मेडिकल कॉलेज को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो खरगोन जिला मुख्यालय पर स्थापित होगा या किसी अन्य ब्लॉक लेवल पे। क्योंकि मैं मनोज जी एक सेकंड, क्योंकि इसलिए मैं सारा कहना चाहूँगा कि अभी हमारे बीच जो राजनीतिक यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हैं वो इस चीज़ को लेकर एक राय तो है कि जिला मुख्यालय पर खुलना चाहिए, लेकिन उसकी जो सहायक जो भी चीज़ें हैं, जो काम होने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी राजनीतिक उठापटक जारी है। लेकिन आम जनता जो है वो इस मेडिकल कॉलेज को खरगोन मुख्यालय में खुलवाने को लेकर लगता है पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। तो अब कार्यक्रम के अंत में मैं एक आखिरी कमेंट आप सभी से लेना चाहूँगा, इस मेडिकल कॉलेज को जिला मुख्यालय पर खोला जाए, इसके लिए मैं एक संक्षिप्त सा आपका एक संकल्प सुनना चाहूँगा। सबसे पहले मैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत जी से चाहूँगा कि एक संक्षिप्त संकल्प दें कि वो क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं इस मेडिकल कॉलेज को खरगोन जिला मुख्यालय पर खोलने के लिए। देखिए, प्रशासकीय तौर पर जो जनप्रतिनिधि हमारे, उन लोगों ने अपनी भूमिका निभाना चाहिए। सोशल मीडिया और हमारे जो पत्रकार साथी बाकी बंधु हैं वो अपनी भूमिका निश्चित रूप से निभा रहे हैं। खरगोन की आवश्यकता है, खरगोन मुख्यालय पर कॉलेज खुले, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपके लोगों को आश्वस्त करता हूँ। अगर हम सब जनप्रतिनिधि, देखो जो जनता का प्रतिनिधि कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, जो प्रतिनिधि वो है, आज वर्तमान में 6 कांग्रेस के विधायक हैं वो सत्य है, और भाजपा का सांसद है ये भी सत्य है। ये सब लोग अगर मिलके करें, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने कहा है अपनी तरफ से अगर वे सब लोग आएंगे, और मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा। स्वीकृत है खरगोन में, खरगोन में ही खुलेगा खरगोन मुख्यालय पर, और इसके लिए जहाँ भी जरूरत होगी हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के विधायक भी इस तरह से अपनी स्पष्ट स्थिति करेंगे अगर, तो बाकी समाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 विधायक, 1 सांसद, दोनों राजनीतिक पार्टियां पूर्ण हो गई और वे सब लोग लगेंगे, तो ये निश्चित रूप से हो पाएगा। एक बात मैं आखिरी जरूर बताना चाहूँगा, बीच में जिस तरह से पूर्णा भाई चिल्लाकर और जोर से चिल्लाकर बात कर रहे थे, पिछली बार का जो कोरोना काल हुआ, उस पिछली बार के कोरोना काल में पूरी बागडोर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में रखी। लॉकडाउन वहाँ से लगा, लॉकडाउन की पूरी व्यवस्थाएँ सब संभालने के कारण पूरा देश में कंट्रोल में रहा। बहुत चिल्लाया विरोध में, विपक्ष बहुत बार बार चिल्लाया लॉकडाउन लगाने की जरूरत थी, मजदूर मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब तरह की बातें हुई। उसकी इस बार तय कर दिया कि भाई ठीक है, राज्य सरकार अपने हिसाब से करें, हम आपसे कहेंगे कि लॉकडाउन जरूरी हो तो लगाएं, जो भी निर्णय लेना आप करिए। चुनाव पश्चिम बंगाल में थे,
दिल्ली में क्यों घटनाएं हुई इस तरह की? दिल्ली में क्यों ऑक्सीजन कमी पड़ी? दिल्ली सरकार ने तैयारी नहीं की। महाराष्ट्र में क्यों हुआ? महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं थे। 13 करोड़ का महाराष्ट्र, इस तरह से 70,000 लोग निकल रहे हैं। एक तरफ 23 करोड़ का उत्तर प्रदेश, 27,000 निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश आज हम कंट्रोल में 13,000 से ऊपर ही नहीं गए, आज धीरे धीरे हम 7,000 पे आ गए। तो ये सब स्थितियों को समझना पड़ेगा कि हमने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ज़्यादा किया और इसका आरोप ज़्यादा बस नरेंद्र मोदी पे लगा दो, नरेंद्र मोदी पे लगा दो, और नरेंद्र मोदी को लगा लगा के नरेंद्र मोदी को बदनाम करना, कैसे करके ये संताप डल जाए। रंजीत जी, खरगोन मेडिकल कॉलेज का भी वही मुद्दा है, तो हम इसको और हमारा सांसद भी तैयार है, हम भी तैयार स्तर पर ही इसको सोचेंगे, सांसद भी तैयार है, हम भी तैयार है। पूर्णा जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है, आप क्या संकल्प इसके लिए दोहराना चाहते हैं खरगोन शहर की जनता के सामने? भाजपा की तो आदत है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। पिछले साल कोरोना में अच्छा हैंडल करा मोदी जी ने करा, और इस साल लाशों के अंबार है, तो तुम्हारी जानो आत्मनिर्भर। खैर, जो आपका विषय है मैं उस विषय पे आता हूँ। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है या कोई परेशानी आती है जमीन के संबंध में या उसके संबंध में, तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हम माननीय खरगोन विधायक श्री रवि जोशी जी के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने में भी पूरा पूरा सहयोग करेंगे और जमीन उपलब्ध कराएंगे। केवल मेरा इतना आग्रह है कि यदि भाजपा के प्रतिनिधि और भाजपा के लोग चाहेंगे तो खरगोन में मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, क्योंकि प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये अगर केवल इसे राजनीति का विषय रखेंगे, आपसी राजनीति का, विपक्ष पे ठीकरा फोड़ने का, या गुटीय राजनीति से इनको रस मिलेगा इसमें, तो मेडिकल कॉलेज जी। स्थानीय विधायक रवि जोशी भी सर्वमान्य नेता है, अगर वो और सांसद गजेंद्र सिंह मिलकर के प्रयास करते हैं तो उन्होंने पूरा प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि पूरी 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 टीम आपका प्रबंधन। देखिए ये पत्र लिखने से आगे जाने वाली चीजें हैं, तभी ये हो पाएगा। आप और हम खुद जानते हैं, आप कई आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और आंदोलनों की भूमिका स्वीकार्यता को लेकर क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए विधायक, सांसद, इन सभी को एक साथ खड़े होना होगा और उसके पीछे एक गांठ लगाना होगी आम जनता को, ताकि ये दोनों राजनीतिक दल एक साथ खड़े हों। अन्यथा राजनीति में ये मेडिकल कॉलेज कहीं किसी भी तालाब में डूब करके अपनी सांसें तोड़ सकता है, जैसे यहाँ पर जिला न्यायालय या कृषि महाविद्यालय अन्य चीजों को लेकर के भी आंदोलन की बात हुई, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए जरूरी है हमको बाकी विधायकों का और सांसदों का भी समर्थन लेना है, और आज आप सभी लोग इस चर्चा में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अंत में हम जाने से पहले आम जनता का जो संकल्प है वो मनोज जी से सुनना चाहेंगे। मनोज जी, आम जनता का मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या संकल्प है? खरगोन जिले की जनता, खरगोन शहर की जनता, निमाड़ की जनता यही चाहती है, यही सोच रही है, यही इच्छा है कि खरगोन जिले का मेडिकल कॉलेज खरगोन में रहे। और यह खरगोन में तभी संभव है जब हमारे सांसद और 6 विधायक सच्चे मन से इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। और रही बात पत्र लिखने की, रही बात बयान देने की, तो पत्र लिखना अपनी जगह ठीक है, बयान देना भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये 6 जनप्रतिनिधि सच्चे मन से अगर चाहेंगे, चाहे उसके लिए भोपाल जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, ये अगर जाकर करते हैं तो जनता की भावनाओं का सम्मान होगा, और जनता की भावनाओं का सम्मान होगा तो निश्चित खरगोन में मेडिकल कॉलेज होगा। जिस प्रकार से दीदी ने दिल्ली जाकर स्वीकृत करवाया, जिस प्रकार से फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाकर इसकी रूपरेखा बनी, पिछली बार जिस प्रकार से शिवराज सरकार 2017 में जिस प्रकार से सक्रिय हुई, केंद्र सरकार, ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई और यहाँ की मंत्री सक्रिय हुई, ऐसी सक्रियता पुनः दिखाना पड़ेगी। जो निरस्त हुई मेडिकल कॉलेज फिर खरगोन आएगी, तभी संभव है जब इनकी सक्रियता ईमानदारी से सड़क पर जनता के बीच, जनता के साथ खड़े होकर रहेगी, तो ही मेडिकल कॉलेज आएगी। नहीं तो खरगोन की मेडिकल कॉलेज राजनीति की धूप और छांव के बीच उलझती है, उलझती रह जाएगी। एकदम सही कहा आपने मनोज जी, कि अगर मेडिकल कॉलेज खरगोन में स्थापित करना है, जिला मुख्यालय पर स्थापित करना है, तो इसके लिए राजनीतिक दलों को, जनप्रतिनिधियों को और आम जनता को एक साथ आना होगा। और हमारा तो ये भी विचार है कि जो महेश्वर मंडलेश्वर में जो भी मेडिकल कॉलेज को लेकर संघर्ष समिति बनी है, उनके लोगों से भी बैठ करके विचार विमर्श किया जाए कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का क्या फ़ायदा मिल सकता है, जिसको लेकर के सभी एक मत होकर के अगर इस चीज़ को आगे ले जाते हैं तो निसंदेह जो उद्देश्य, जो मूल भावना है इसके पीछे जनप्रतिनिधियों की, जनता की,
वो साकार हो सकेगी। और आने वाले समय में अभी फ़िलहाल में हम मेडिकल कॉलेज को लेकर स्पष्ट कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मामला अभी भी सत्ता के गलियारों में है और अंतिम निर्णय क्या होगा इसके लिए सत्ता में बैठे उनके प्रतिनिधि ही ये निर्धारित कर पाएंगे कि मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेगा। वैसे इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि खरगोन जिला मुख्यालय की जनता पुरजोर तरीके से इस मांग को लेकर अड़ गई है कि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय खरगोन पर ही स्थापित हो। आज की चर्चा में उपस्थित होने के लिए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत जी डंडीर और जनता के प्रतिनिधि मनोज रघुवंशी जी का हम धन्यवाद करते हैं। आज सिर्फ इतना ही, आगे हम किसी और मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।